हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इफेक्टिव नॉलेज पॉइंट। आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JKSSB की का जो सिलेबस है पटवारी पोस्ट के लिए, जिसमें वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू पर हम बात करने जा रहे हैं। इसमें जो लेटर राइटिंग का सेक्शन है उस 10 मार्क्स का है, जिसके पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया उसमें किस तरह के लेटर्स आते हैं, उनको किस फॉर्मेट में आपने लिखना है, उस पर हम बात करेंगे। जैसे अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन के नाम मोहल्ले की सफाई के बारे में खत लिखें, तो आपने उसको 10 मार्क्स के लिए लिखना है, तो बहुत ही एक अच्छा फॉर्मेट आपने लिखना है, ताकि आपको 10 में से कम 9 मार्क्स तो आने ही चाहिए, ताकि आपका जो ये पोर्शन है ये इसमें आप क्वालिफाई कर जाएं। तो इसी टॉपिक पर हम आज एक वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम तकरीबन 3 से 4 जो लेटर डिस्कस करेंगे। अगर मान लो ये आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन के नाम खत लिखें मोहल्ला की सफाई के बारे में, तो आपने शुरू कैसे करना है? जैसे आम हम 9th और 10th क्लास में लिखते थे लेटर्स, बख़िदमत जनाब चेयरमैन साहिब म्यूनसिपल कमेटी जम्मू, या जिस सिटी का भी आप नाम लिख लें तो लिख सकते हैं, जनाब आली के बाद लिखने हैं, गुजारिश खिदमत है कि न्याजमंदान के मोहल्ला का नाम यहाँ जो भी लिखना है आपने, दिलपतियाँ जो भी नाम है, जैसे मोहल्ला गांधीनगर है, शालीमार है, जो भी मोहल्ला है, में सफाई का माकूल इंतज़ाम नहीं है। खाक रूब यानी जो स्वीपर्स होते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, हफ्ते के सभी दिनों में मोहल्ले की गलियों और निकास की नालियों वगैरह की सफाई तसली बख्श तरीके से नहीं करते। यानी जो स्वीपर्स हैं जो सुबह में सफाई करते हैं मोहल्ले की या गलियों की नालों की, वो सफाई जो है दिलचस्पी के साथ सही तरीके से नहीं करती हैं, तसल्ली बख्श नहीं करते हैं, जिससे हमें इत्मीनान हो। कई कई रोज़ तक गलियों में गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं। इस सिलसिले में आपको पहले भी मुतला किया था, यानी आगाह किया था, इन्फॉर्म किया था, मुतला किया था, लेकिन कोई खातर ख्वा नतीजा बरामद नहीं हुआ, लेकिन कोई इफ़ेक्टिव जो रिजल्ट्स हमारे सामने नहीं आए, यानी आपने उस पर तवज्जो नहीं की। जैसे कि आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि आजकल बरसात का मौसम है, गलियों और नालों में गंदगी के ढेर जमा रहते हैं, बीमारियां फैलने का डर रहता है। जैसे कि अब आने वाला मौसम हमारा भी जो बरसात का मौसम है, मानसून का मौसम है, तो वहाँ पर मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर गंद वगैरह हो, तो इस तरह का आपने उसको लेटर लिखना है कि ताकि वो मुतवजा हो जाएं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मोहल्ला हाजा कहते हैं जिस मोहल्ले की हम बात कर रहे हैं, कि रोज़ानी के माकूल सफाई का इंतज़ाम कराया जाए, यानी कि डेली बेसिस पर वहाँ सफाई कराई जाए। जो हमारे कर्मचारी हैं वो हफ्ते में 1-2 दिन आकर सफाई कर जाते हैं, लेकिन वो भी सही तरीके से नहीं करते हैं। यहाँ पर आप जो है म्यूनसिपल कमेटी को आप ये बता रहे हैं कि हर डेली बेसिस पर यहाँ सफाई होनी चाहिए, और इस सिलसिले में खाक रूबों को तंबी भी किया जाए। तंबी कहते हैं कि उनको जो है डांट लगाई जाए, उनको उनकी जो है उनसे रिपोर्ट तलब की जाए कि भाई ये क्यों नहीं आप सफाई कर रहे हैं। आइन नवाजिश होगी जिसको हम थैंक्स कहते हैं, अर्ज़ नियाजमंद, तारीख यहाँ लिखने इस साइड में तारीख यक, अगर देखो इफेक्टिव लिखनी है तो यहाँ आप यकम ही कर दोगे, यकम कहते हैं फर्स्ट को, 1 मार्च 2011 है, 2020 है, 2022 है, जो भी आप करेंगे, बाशिंदगान मोहल्ला, जो भी मोहल्ला आपका होगा जम्मू या कश्मीर जो भी, ये एक लेटर हो गया। अब दूसरे लेटर की हम बात कर लें तो वहाँ पर एक ही लेटर आएगा। मैं 2-4 लेटर आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मेट लिखने का जो तरीका आ जाए, और आप अच्छी तरीके से वहाँ इफ़ेक्टिव वर्ड्स, जो मतलब वर्ड्स ऐसे हों जो उनको भी लगे कि भाई इस ये बंदा जो है उर्दू जानने वाला बंदा है, इस तरह के आप वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी के नाम मोहल्ले में डिस्पेंसरी खोले जाने के लिए दरख्वास्त। अब इसको भी आप
शुरू ऐसे ही करेंगे, बख़िदमत जनाब चेयरमैन साहब म्यूनसिपल कमेटी जम्मू, या जहाँ भी आप रहते हो या एग्ज़ामिनेशन हॉल भी कर सकते हैं। जनाब आली, गुजारिश खिदमत है कि न्याजमंदान के मोहल्ला गुजर नगर में मुतवस्त तबके यानी मिडिल क्लास के लोग, मुतवस्त तबके के लोग कम और गरीब, ये गैन से है, गैन गैन रहे ये भी गरीब के लोग ज़्यादा तादाद में आबाद हैं, यानी मुतवस्त कहते हैं मिडिल क्लास के लोग और गरीब आप पुर लोग कह सकते हो। मोहल्ला हाजा, हाजा जिसकी बात हम कर रहे हैं कि आबादी 2000 या 3000 जितने भी आप लिख सकते हैं या 5000 से ज़्यादा है। मोहल्ले के आसपास कोई भी डिस्पेंसरी मौजूद नहीं है जिससे गरीब आवाम का काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सरकारी अस्पताल यहाँ से काफ़ी दूर है, गरीब लोग रिक्शे या किसी दूसरे ज़राए का किराया बर्दाश्त नहीं कर सकते। मरीज़ का अस्पताल तक पैदल चल कर जाना मुमकिन नहीं है, इस तरह लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना है। इसलिए गुजारिश आपसे गुजारिश है कि मज़कूरा यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, मज़कूरा मोहल्ले और आसपास के लोगों की तकलीफ़ों और मजबूरियों को मद्देनज़र यानी उनको देखना है, मद्देनज़र रखते हुए एक डिस्पेंसरी खोली जाए और किसी काबिल डॉक्टर को डिस्पेंसरी का चार्ज दिलाया जाए ताकि बीमारी के हवाले से लोगों की परेशानियों का अजाला हो सके, यानी उनकी जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, अजाला हो सके। उम्मीद कामिल है, यानी हमें पूरी पूरी उम्मीद है, उम्मीद कामिल हम यहाँ लिख सकते हैं, हमें पूरी उम्मीद है, लेकिन अगर ये वर्ड हम डालेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें जो है उर्दू के अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ताकि जैसे इजाला है यह हम कर सकते थे कि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमारी ये परेशानी दूर हो जाएगी, अजाला दूर हो जाना। कामिल उम्मीद यहाँ पर हम लिख सकते थे पूरी उम्मीद है, लेकिन हम लिखते हैं उम्मीद कामिल है कि आप हमारी दरख्वास्त पर हमदर्दी से गौर फरमाएंगे, या हम ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते थे इस दरख्वास्त पर गौर फरमाएंगे, लेकिन जब इस तरह के वर्ड हम यूज़ करेंगे तो जो एग्ज़ामिनर होगा उसे लगेगा कि भाई जो कैंडिडेट है उससे उर्दू से में काफ़ी महारत हासिल है। तो इस तरह से हम अपने जो है एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, इलाके की इस अशद ज़रूरत को पूरा करेंगे। आइन नवाजिश, तारीख़ 1 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022, 1 मई 2022, या अर्ज़ न्याजमंदान बाशिंदगान मोहल्ला गुजर नगर, हमने ऊपर लिखा था गुजर नगर या जिस महल्ले के हैं आप उस महल्ले की बात करेंगे। अगला इसी पर लेटर एक और हम देखेंगे, मुतल्लिका यानी जो हमारा उस इलाके का तहसीलदार होगा, मुतल्लिका तहसीलदार साहब के नाम आर्जी राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त लिखें। यहाँ इस दरख्वास्त में हम ये देखेंगे कि हम किसी यूनिवर्सिटी में या किसी दूसरे इलाके में अपने रोज़गार के लिए जा रहे हैं, या पढ़ाई के लिए स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, वहाँ के हम मुतल्लिका तहसीलदार को कंसर्न तहसीलदार को हम जो है वो एक लेटर लिखेंगे कि हमें, हम गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इस इलाके में आपके जो है तहसील में हम यहाँ पर तालीम हासिल करने आ रहे हैं, या हम कोई काम करने आ रहे हैं या कोई कारोबार करने आ रहे हैं, तो हमें यहाँ से राशन फराहम किया जाए, क्योंकि बाहर से अगर हम राशन लेते हैं वो हमें महंगा पड़ता है, इसलिए हमें आर्जी राशन कार्ड जो है कि सहूलत फराहम की जाए ताकि हम भी अपना रोज़ी रोटी आराम से जो है कमा कर खा सकें। तो इसी तरह से बख़िदमत जनाब तहसीलदार साहब तहसील भद्रवाह की बात यहाँ है, तो आप तहसील जम्मू, तहसील सांबा, जो भी जहाँ तहसील पुंछ, तहसील मंडी, जो भी हवेली तहसील है, जो भी आप लिख सकते हैं। जनाब आली, गुजारिश खिदमत है कि न्याजमंदान दूर दराज इलाके बलेसा के रहने वाले हैं। अब यहाँ तहसील भद्रवाह है तो यहाँ का जो है विलेज है बलेसा, और यहाँ तालीम के हसूल के लिए यानी हासिल करने के लिए के सिलसिले में आए हैं।
न्याजमंदान गरीब खानदानों से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ अब एक दो की बात नहीं हो रही है, पांच आठ बंदे जो हैं वो लिख सकते हैं। और बाजार से महंगे दामों राशन खरीदने के अहल नहीं है, यानी इसके काबिल नहीं, के एबल नहीं है हम। वी आर नॉट एबल टू परचेज, जैसे भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इसी को। अगर आप ट्रांसलेट, क्योंकि हमारे ट्रांसलेशन भी है वहाँ, तो हम इसी को हमने इंग्लिश में, उर्दू में लिखा, तो आप इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके अपने जो है उसको, ट्रांसलेशन वाले पोर्शन को भी कवर कर सकते हैं। इसलिए आपसे मोदबाना गुजारिश है कि न्याजमंदान को तालीम हसूल के दौरान फूड सप्लाई महकमे की तरफ से आर्जी राशन कार्ड जारी कराया जावे, करवा दिया जाए या कराया जावे। ऐन नवाजिश होगी, अर्ज नियाजमंद, तारीख हुई 1 मई। अब एक दो जो जिन जिन बंदों को, जिन जिन कैंडिडेट्स को जो है, जिन जिन या स्टूडेंट्स को राशन कार्ड की ज़रूरत है, उनको उनके नाम लिखेंगे। एहसान अहमद वल्द, वल्द कहते हैं फादर, रियाज अहमद, बशीर हुसैन वल्द, राकिम अली। अगर लड़की कोई है तो जैसे खतीजा कुबरा, खतीजा जहरा, या जो भी नाम है, खतीजा दुख्तर। अब डॉटर को हम कहते हैं दुख्तर, बशीर हुसैन, ठीक है। इसी तरह से आप अगला, अगर हम एक और लेटर ले लेते हैं, यहाँ पर अखबार के एडिटर के नाम खत। यहाँ पर एडिटर के नाम खत, आपके आपको सवाल होगा कि अखबार के एडिटर के नाम, मुदर किसी एक किसी की शिकायत करनी है, या जैसे यहाँ पर सवाल आपको आ सकता है कि आपके इलाके में पानी की सप्लाई मुतासर है, इसलिए आप अखबार के एडिटर से रابطہ करके उसके नाम खत लिखें, ताकि वो आपके इलाके की परेशानी को अपने अखबार में उजागर करे और मुतलका महकमे से रजू करवाए। तो आप इसी रास्ते इसका लिख सकते हैं, मोहतरम जनाब एडिटर साहब, आगे उसका नाम जो भी है। रोज़नामा उड़ान जम्मू, किसी एक अखबार का नाम, रोज़नामा उड़ान कहते हैं डेली। आदाब, आपका अखबार आए दिन लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा मकबूल होता जा रहा है। इसकी वजह यही है कि आपका अखबार आवाम की आवाज़ को उभारता है, हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचाता है। आपके अखबार में असली सूरत हाल की इकासी होती है। हम कासिमपुर बदरवा। अब यहाँ से आगे आपकी शिकायत शुरू हो गई। पहले उसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर ली, उसके अखबार की बात कर ली। हम कासिमपुर बदरवा के बाशिंदगान आपके अखबार के वसातत से, वसातत से अपनी एक अहम शिकायत आला हकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। इससे पहले भी जब कभी हमारा कोई मसला आपके अखबार में शाया हुआ, तो इसको बहुत जल्द हल किया गया। तो इससे जो है एडिटर को थोड़ी जो ये पता चलेगा कि हमारा अखबार कितना इन लोगों के लिए जो है फ़ायदेमंद है, कारमंद है। तो एडिटर भी आपकी जो है शिकायत को अपने अखबार में शाया करने की कोशिश करेगा। हमारे मोहल्ले में पानी की सप्लाई का इंतज़ाम नहायत नाकिस है, यानी उतना अच्छा नहीं है। पानी के बड़े नल जब जिनसे घरों में पानी सप्लाई होता है, जगह जगह टूटे हुए हैं। जो बड़ी बड़ी पाइपें होती हैं, आप अक्सर देखते हैं, वो कहीं ना कहीं लीकेज उनकी होती रहती है। इनमें से पानी हर वक्त रिसता रहता है, यानी लीक होता रहता है, उनसे पानी बहता रहता है। नतीजे के तौर पर घरों में पानी की सप्लाई मुतासर होती है। तो मोहल्ले के तमाम घरों में नलों से बूंद बूंद पानी ही हासिल होती है, यानी बहुत कम पानी घरों तक पहुंचता है, जिसकी बुनियादी ज़रूरियात
जिससे बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं हो पाई हो पाती और पानी की अशद किल्लत रहती है, यानी हमें उसकी कमी रहती है, किल्लत कहते हैं कमी। आपसे इल्तमास है, आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी शिकायत अपने अखबार में शाया कराएं ताकि हमारे हमारी परेशानी का अजाला हो सके। खैर अंदेश मोहम्मद अली, मोहल्ला कासिमपुर, बदरवा। अब इसके अलावा हमारे पास एक और लेटर है, ये आप खुद पढ़ेंगे, बहुत सारे लेटर्स हैं। अगर मैं इन लेटर्स की बात करूं तो अगर हम 3-4 वीडियोस भी बनाते हैं फिर भी हमें हमारे पास कम ही होंगे हमारे लिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेहतर रहेगा। नए नए वर्ड्स आपको इन लेटर्स में मिलेंगे, तो बेहतर है कि आप 9th और 10th की गाइड्स जो हैं उनमें बहुत सारे लेटर्स दिए गए हैं उनको पढ़ें। उसके अलावा आप इंटरनेट से भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब अलग से नए नए चैनल हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जितना अच्छा मिल सकता है मटेरियल आप इस्तेमाल करें। छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल इफेक्टिव नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब भी करेंगे, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके करेंगे ताकि जो भी हम नई वीडियोस अपलोड करते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। साथ में अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को इस के ग्रुप्स वगैरह में आप इस वीडियो के जो लिंक है उसको शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी इसका फ़ायदा पहुँच सके। Thank you. Have a nice day.